8 जुलाई को बड़ौदा हल्के के गांव मदीना में जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे, जिसके बाद जो है अब जो है मदीना गांव के ग्रामीण जो है कल सोनिया के राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे, इंदुराज नरवाल जो विधायक बड़ौदा हल्के के और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कहना है, क्यों बुलाया गया? देखिए, आपने देखा एक हफ्ता पहले राहुल गांधी जी मेरे हल्के गाँव मदीना में आए और उन्होंने ट्रैक्टर चला के खेत को जोतने का भी काम किया, आपने देखा, और खुद प्योद लगाने का भी काम किया। और उसी दिन वो जो वहाँ किसान था, मजदूर था, वो न्योता के दे के गए थे कि आप भी मेरे घर आना और आप खाना खा के आना। वो न्योता दे के गए, बड़े आप भी देखो बड़ी चंबित बात है, एक हफ्ता नहीं उन्हें दिया, इतने जबान के पक्के, एक हफ्ते के अंदर अंदर परसों मेरे पास दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन आया, विधायक जी आप जो राहुल जी जो आपके वो किसान मजदूर थे वो खाने पर बोला रहे, आप उन्हें ले के आओ। और फिर सुबह सुबह 6 बजे राहुल गांधी की जो टीम थी वो भी मदीना गांव में पहुंच गए, और मैंने फिर हम सारे साथ इकट्ठे हो गए, हम राहुल गांधी जी के घर पर गए, बड़ा अचंभित था मैं। अब मैं आपके बताना चाहूँगा कि इतना गर्म जोशी से स्वागत उन्होंने किया कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बताना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी जितनी महिला थी सबको अपनी बेटी की तरह कौड़ी भर भर के मिलने का काम किया, जैसे आप हरियाणा मिलते ना अगर कौड़ियाँ मिलते, वो सोनिया गांधी जी ने वो उनके साथ मिलके मिलने का काम किया। और फिर राहुल गांधी जी बड़े अचरज था, जो छोटे छोटे बच्चे थे 5-6 उनको अपने हाथ से खाना खिलाया, बहुत बड़ी बात है। और उनके एक साथ गए 1 घंटे उनके साथ परिवार की तरह बैठ के साथ खाना खाया, बात करी। और फिर बाद में प्रियंका जी हरियाणवी जो ये महिला थी इन्होंने गीत गाया और प्रियंका जी और ये साथ इन्होंने नाचने का भी काम किया, बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया और बड़े गदगद हुए। मैंने देखा कि भाई इतना अच्छा परिवार है, 4-4 बार के पहले प्रधानमंत्री, आने वाले प्रधानमंत्री, और गरीब और किसान के साथ ऐसे घुल मिल कर बात करना बहुत बड़ी बात है। और जो परिवार वो गए थे वो तो एक मिनट नींद भी नहीं आवा, वो तो कह रहे थे हमारे साथ क्या सपना, मैं क्या कल भी सपना मान रहे थे, बड़े उनकी खुशी पे चेहरे पे खुशी थी और बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छा स्वागत किया। क्योंकि हमने भी देखा जब 8 जुलाई को जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि शिमला जा रहे थे, रास्ते में यहाँ पहुँचे तो काफ़ी लोगों में उत्साह तक बड़ी, और खुद 2 घंटे तक खेतों में खुद काम किया, ट्रैक्टर चलाने का काम किया और किसानों के साथ बैठ कर खाना भी खाया उन्होंने, और खुद इन्विटेशन दिया था कि मेरे वहाँ आप आना। और कल वो जब गए तो आप बता रहे हो कि कैसा अनुभव रहा उनका, काफ़ी बहुत बड़ा अनुभव रहा। और आप देखो एक हफ्ता नहीं उन्होंने दिया, नौता जब आप भेज कर बुला लिए और साथ खाना खाया, अच्छा अनुभव रहा और बहुत खुशी का दिन धकल त्यौहार की तरह लोगों ने मनाने का काम किया, जो लोग वहाँ जा रहे थे और बड़े अचंभित थे, बड़े खुशी का माहौल था। और फिर उसके बाद सभी जो मदीना गांव की जो मेरी माताएं थी, बहनें थी, उन्होंने भी जो हमारी बेटियां थी, किसान परिवार था, वो बोले जी दीपेंद्र के घर जरूर चलाएंगे। फिर दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ घर पर गए और वहाँ अच्छी तरह से मिले, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी बहुत अच्छी हंसी खुशी से बात करी, बड़े खुश थे। एक वो छोटा लड़का था वहाँ राहुल गांधी जी के घर में थे जब, वो मेरा हाथ पकड़े बोला काका माँ मेरा दीपेंद्र तो जरूर बेटा के चलिए, इतने खुशी थी उनको, बहुत बड़ी खुशी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो हरियाणा में इस समय जो है कई जिले जो हैं बाढ़ से ग्रस्त हैं और आरोप प्रत्यारोप के जो है दौर लगे हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे पार्टी के नेता जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना? काफ़ी हल्के में देखा बड़ौदा हल्के में भी जो है कई गाँव खेतों में पानी खड़ा हुआ है, और उसको लेकर भी क्या कहना है? देखिए जो आज का दिन आपने बाढ़ का जिक्र किया, आज प्रत्यारोप और उनके आरोप लगाना ये मैं समझूंगा ठीक नहीं है आज के माहौल में। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जो आम आदमी को, व्यक्ति को, जिस गांव को जो ज़रूरत हो आप उसकी ज़रूरत पूरी करने का काम करें, उनको सहायता दें। और जो हमारे नेता हैं हरियाणा प्रदेश के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, 36 बिरादरी के नेता हैं, वो गए खुद हमारे नेता, उन्होंने भी जाके वहाँ हम लोगों की मदद की। और हमारे सबको, सभी विधायकों को, सभी कांग्रेस के वर्करों को, सबको ये मैसेज है, अब जहाँ भी कहीं ज़रूरत हो आप उसकी ज़रूरत पूरी करने का काम करें, चाहे कोई खाने की समस्या हो तो खाना देने का काम करें, अगर कोई और समस्या है तो कांग्रेस की सभी पार्टी से भी वर्कर विधायकों की भी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और उदय भांजी ने ड्यूटी लगा रखी है। जैसे अगर हम ज़्यादातर बात करें
करनाल से अम्बाड़ा तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर उन गांवों में अच्छी तरह से मदद करने में लग रहे हैं। लेकिन सरकार ने अगर मैं कहूं तो सरकार की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर उन्होंने टाइम से पहले जो ड्रेन सफाई करने की बात थी वो नहीं करी, जो नहरों की सफाई थी, कोई बांध था उसको मजबूत करने की बात थी, चाहे जमुना का जो तटीय विभाग था उसको जो मजबूत करने का काम था वो टाइम पर नहीं किया। इसमें सरकार की कमी जरूर है, लेकिन आज कमी ना निकाल के लोगों की सहायता करने का काम आज सरकार ने और विपक्ष ने सब ने साथ मिलकर उनका करना चाहिए। आपने भी एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा है, क्या है उस पत्र में, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने पत्र जो लिखा आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो हरियाणा प्रदेश की सारी सरकार, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस हल्का बड़ौदा में आई, आपने भी देखा, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दशाराम कॉलेज को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, IMT बनाऊंगा, 2 महिला कॉलेज बनाऊंगा, रायसी में लगाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैंने हर विधानसभा सत्र में मजबूती से ये बात उठाने का काम किया और मैं पर्सनल तौर पर भी मुख्यमंत्री जी के घर जाकर मैंने मिलने का काम किया, उनसे अनुरोध किया और मैंने यहाँ तक गया कि मुख्यमंत्री जी आपकी जबान भी पूरी हो जाएगी, मेरा हल्का का काम हो जाएगा। मेरी मांग भी नहीं है, ये आपकी घोषणा आप पूरी कर दो, लेकिन कहीं ये सिरे चढ़ने नहीं लगी बात। तो आज मैंने देखा, आपने खुला पत्र भी लिखा, आप प्रेस के सभी साथियों को भी दिखाया और सबमिट पोस्ट करा दिया। मुख्यमंत्री से मांग की है कि आप अपनी जबान पूरी करें और मेरे हल्के का विकास करें, जो आपने घोषणा करी वो पूरी करने का काम करें। बिल्कुल, बरोदा हल्के से विधायक जो इंदुराज नरवाल हैं, इनका कहना है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारियों ने, नेताओं ने जो है सभी पदाधिकारियों की, विधायकों की जो है ड्यूटी लगाई है कि वो वहाँ जाकर जो है उनका हालचाल जाने और जो उनसे मदद हो सके वो करें। और इसके अलावा इंदुराज नरवाल ने जो है मुख्यमंत्री को जो है उनके जो हल्के की जो घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान, उनको जो है पूरा करने के लिए जो है एक पत्र भी लिखा है, ताकि जो उनके हल्के में जो विकास नहीं हो रहा उसका विकास जो है वो हो और जो मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी उसको जो है पूरा करने का काम जो है ये सरकार करे। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।